सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और भाई, जो पुराने वाली ब्रेजा थी उसके कंपेयर में जो न्यू वाली ब्रेजा आने वाली है उसकी जो है दी ऑल न्यू 2022 जो फेसलिफ्ट ब्रेजा आने वाली है, भाई साहब प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है भाई, लास्ट मंथ तक की है, आप सभी लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगी। आज हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में क्या क्या अपग्रेड हुए हैं, क्या क्या अपग्रेड्स नहीं हुए हैं, सारी फुल डिटेल्स में वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो न्यू ब्रेजा के सेगमेंट के हिसाब से जो गाड़ियाँ आती हैं इसके सेगमेंट में आप सभी लोग जा सकते हैं, जैसे ह्यूंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट एंड महिंद्रा एक्सयूवी 300। तो इस सेगमेंट की एक और एसयूवी है जो कि जिसका नाम है, जो पहले आती थी विटारा ब्रेजा के नाम से आती थी, बट अभी उसको अपग्रेड कर दिया, सिर्फ विटारा अलग आएगी और ब्रेजा अलग आएगी। तो चलते हैं वीडियो को आज का शुरू करते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में पहले तो आप सभी लोगों को एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता था, तो भैया इसमें चेंजेस अपग्रेड ये हुए हैं कि आप सभी लोगों को क्रॉस कट में ग्रिल देखने को मिलेगी एंड टू प्रोजेक्टर हेडलैम्प, टू डीआरएल्स, मतलब फ्रंट प्रोफाइल में आप सभी लोगों को 4 प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे। तो भाई, जैसे बहुत लोग कह रहे थे कि इसके क्या प्राइस में डिफरेंस आएंगे, तो भाई जिस हिसाब से अपग्रेड किए जाएंगे उसी हिसाब से डिफरेंस भी आप सभी लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर इसके फॉग लैम्प की बात करते हैं तो वही आप सभी लोगों को LED फॉग लैम्प टॉप वेरियंट में देखने को मिल जाते हैं, और एडवेंचर वेरियंट में भी आप सभी लोगों को प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे देगी कंपनी, जो कि काफ़ी बेहतर है। और जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे थे, ग्राउंड क्लियरेंस जो पहले वाली में आता था वैसे सिमिलर रहने वाला है, तो उसमें कोई भी अपग्रेड नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर हम गाड़ी के सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पहले भाई 2 एयरबैग्स देखने को मिलते थे, अभी इसमें आपको 6 एयरबैग, जैसे कि बलिनो में आया है, आप सभी लोग जानते हैं कि अपनी जो नई बलिनो आ चुकी है 2022 फेसलिफ्ट बलिनो, भाई उसमें 360 डिग्री का एंगल का कैमरा है एंड 6 एयरबैग, तो सेम उसी प्लेटफॉर्म से ये भी बनेगी और बिल्ड क्वालिटी में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। वैसे भी अधिकतर इसने आप लोगों ने देखा होगा कि इसने 4 स्टार रेटिंग ग्लोबल एंड कैप में क्रॉस किया है, तो उसी के साथ इसमें बहुत सारे अपग्रेड भी किए जाएंगे। टॉप वेरिएंट में आप सभी लोगों को 360 डिग्री का कैमरा मिलेगा, सरफेस एंटीना मिल जाएगा एंड रूफ रेल मिलेगी ब्लैक में, और ORVM में भी LED का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 16 इंचेस के टॉप वेरिएंट में अलॉय व्हील भी देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर हम फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोगों को 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा एंड 200 लीटर का बूट स्पेस भी बैक साइड में देखने को इस गाड़ी में मिल जाएगा। LED टेल लैंप की बात करें तो उसके साथ में आप सभी लोगों को बीच में ब्रेजा की बैजिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि विटारा ब्रेजा पहले आती थी, तो अब सिर्फ ही ब्रेजा की बैजिंग देखने को मिलेगी, ना कि विटारा की ब्रेजिंग देखने को मिलेगी। टॉप वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें आप सभी लोगों को डीप फॉगर और वाइपर, स्पॉइलर, बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कलर्स में आएगी, तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आएगी। और वहीं इसके माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को ये ऑन रोड 21-22 का पर लीटर एवरेज दे देगी, ठीक ठाक माइलेज भी है जो कि काफ़ी बेहतर है, वैल्यू फॉर मनी है। उसी के हिसाब से भाई इसका जो प्राइस है वो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि 8,35,000 से लेके लगभग 11 लाख तक की जाएगी, पर देखो जिस हिसाब से भाई गाड़ी बनाई जाएगी उसी हिसाब से उसके पैसे भी लिए जाएंगे। तो जैसे ही लॉन्च होगी तो भाई आपको अपडेट देता रहूँगा। अदरवाइज़ इसके अगर CNG वेरियंट की बात करें तो भाई उसकी भी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, गाड़ी ले ली पेट्रोल वेरिएंट, फिर आफ्टर मार्केट उसमें CNG फिटेड कराते हैं, तो उसमें गाड़ी में आग लगने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो भाई इसमें बिल्कुल भी खतरे नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई सुजुकी में अभी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करी जाएगी, उसी के साथ इसमें टॉप वेरियंट से शुरू हो जाएंगे CNG वेरियंट में आने, तो भाई इसमें भी एक खतरा नहीं है। और आप सब आफ्टर मार्केट ना ही काम करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो को बड़ा करने का कोई मकसद नहीं है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सब्सक्राइब कर देना, हमारे 3K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। एंड चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।